नमस्ते बच्चों, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑलवेज रिमेंबर वो देख लेते हैं। स्काई वॉचिंग में हमें क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है उसके बारे में जो है वो समझ लेते हैं। देखिए, द प्लेस फॉर स्काई वॉचिंग शुड बी अवे फ्रॉम सिटी, सिटी से दूर होना चाहिए ताकि आपको अच्छी तरीके से स्काई वॉच जो है वो आप कर सकते हैं। यानी वहाँ पे सिटी से बाहर रहेगा तो थोड़ा अंधेरा रहेगा, तो अच्छी तरीके से आप जो है वो शोर शराबा नहीं रहेगा, जो पोल्यूशन है वो नहीं रहेगा, तो आप अच्छी तरीके से स्काई वॉचिंग कर सकते हैं। एंड एज फार एज पॉसिबल, यानी जितना दूर रहेगा उतना, इट शुड बी न्यू मूनलाइट। मूनलाइट यानी जो अमावस्या होती है, तो अमावस्या के दिन अगर हम स्काई वॉचिंग करते हैं तो हमें अच्छा स्काई वॉचिंग जो है वो करने को देखने को मिलता है। बायनाकुलर और टेलीस्कोप शुड बी यूज फॉर स्काई वॉचिंग। अगर हम बायनाकुलर या टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्काई वॉचिंग और बेहतर तरीके से होगी, हमें अच्छी तरीके से हम स्काई वॉच जो प्लैनेट है, स्टार है, उनको अच्छी तरीके से वॉच कर सकेंगे। देखिए, आइडेंटिफाइंग द पोल स्टार, जो ध्रुव तारा होता है, पोल स्टार इन द नॉर्थ मेक द स्काई वॉच इजियर। तो सबसे पहले जो है वो ध्रुव तारा जो होता है उसको जो अगर हम वॉच करते हैं, उसके रेफरेंस से बाकी के स्टार को अगर हम वॉच करते हैं तो हमारी स्काई वॉचिंग में अच्छा जो है वो होगा। हिंस द पोल स्टार शुड बी यूज फॉर रेफरेंस पॉइंट, यानी उसको रेफरेंस की तरह यूज करना, यानी उस रेफरेंस से बाकी के स्टार की पोजीशन क्या है, वो कैसे है, तो पोल स्टार यानी जो ध्रुव तारा है उसके रेफरेंस से बाकी के स्टार को जो है आपको वॉच करना है। एज द स्टार इन द वेस्ट सेट अर्ली, स्काई वॉचिंग शुड बी बिगिन विद स्टार इन द वेस्ट। यानी वेस्ट साइड में सबसे पहले आपको स्काई वॉचिंग करना है, क्योंकि जो वेस्ट साइड के जो स्टार्स होते हैं उनका जो है वो सेट अर्ली है, यानी वो पहले डूब जाते हैं, तो उसकी वजह से सबसे पहले आपको वेस्ट साइड के जो स्टार है उनको जो है वो वॉच करना है। उसके बाद एज द जियोग्राफिकल मैप, द ईस्ट एंड वेस्ट आर शोन इन द अपराइट एंड लेफ्ट साइड इन द स्काई मैप। जैसे जियोग्राफिकल मैप होता है, देखिए ऊपर की तरफ नॉर्थ होती है, नीचे की तरफ साउथ होती है, इधर ईस्ट होती है, इधर वेस्ट होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो ईस्ट एंड वेस्ट आर शोन इन राइट एंड लेफ्ट रिस्पेक्टिवली स्काई मैप, तो ईस्ट राइट साइड को होती है और वेस्ट जो है वो लेफ्ट साइड को होती है स्काई मैप पे भी। पर ऑन द स्काई मैप नॉर्थ एंड साउथ आर टुवर्ड द बॉटम एंड टॉप ऑफ मैप। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब हम, क्योंकि हम ये जो मैप है ये इस प्रकार से पकड़ते हैं, तो नॉर्थ साइड जो है वो बॉटम को चली जाती है स्काई मैप पे और जो साउथ साइड है वो टॉप को चली जाती है। देखिए, ऑन द स्काई मैप नॉर्थ एंड साउथ आर टूवर्ड्स, नॉर्थ क्या पे है, बॉटम पे है, और साउथ जो है वो ऊपर की तरफ चली गई रिस्पेक्टिवली। दिस इज बिकॉज स्काई मैप इज हेल्ड ओवर हेड। हम ऐसे ऊपर की तरफ जो है वो मैप पकड़ते हैं, स्काई मैप होल्ड द स्काई मैप इन सच वे दैट द डायरेक्शन ऑफ फेस एट द बॉटम साइड, और इसकी वजह से ये बॉटम पे आ जाती है और साउथ जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो स्काई वॉचिंग में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है वो हमने सीखा। नेक्स्ट इसमें हम कॉन्स्टिलेशन क्या है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये ऑलवेज रिमेंबर में क्या क्या ध्यान रखना है स्काई वॉचिंग करते वक्त, ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।